नमस्कार, मैं नंदराम पालेवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान बाबू शोभा राम राज के कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए पार्ट सेकेंड ऑनर्स के सिलेबस में है। सन 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसकी उत्पत्ति कौन कौन से कारण थे, इसके क्या उद्देश्य थे। तो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से 28 दिसंबर 1885 को एवोहूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। स्थापना के समय कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संगठन था, जिसमें लगभग सभी धर्मों और जातियों, विचारधाराओं और प्रांतों के लोग सम्मिलित थे। तो भारत को स्वतंत्र राष्ट्र कराने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के या इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है कांग्रेस की उत्पत्ति की प्रेरक दशाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन द्वारा अनिच्छापूर्वक और भारतवासियों द्वारा इच्छापूर्वक किए गए प्रयासों का फल था। पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता और विचारधारा ने भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और शासन की भावनाएं जागृत कर दी। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया था। समाचार पत्रों ने सामान्य राष्ट्रीय मंच की मांग की थी। ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी आर्थिक नीतियों ने असंतोष उत्पन्न कर दिया था और भिन्न भिन्न प्रांतीय संस्थाएं तथा संगठन अपने अपने क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान कर रहे थे। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप सन 1883 में भारतीय एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कांग्रेस राजनीतिक दासत्व की अनुभूति और धार्मिक पुनरुत्थान द्वारा राष्ट्रीय जागृति तथा भारतीय नेताओं के प्रयास का परिणाम थी। लॉर्ड लेटन तथा लॉर्ड रिपन का शासन 1875 के बाद लॉर्ड लिटन के अविवेकपूर्ण कार्यों तथा उसके बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने अखिल भारतीय लक्षण के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस की। अगला है पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों द्वारा राजनीतिक चेतना के विकास का परिणाम। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठनों की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जैसे कि 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, 1875 में इंडियन लीग की, इंडियन एसोसिएशन के 18 क्षेत्रों में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा तथा मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हो चुकी थी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस प्रक्रिया का एक व्रत रूप था। अतः कांग्रेस संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के पहले के संगठनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। एवोहूम के प्रयास और कांग्रेस का जन्म। सर्वप्रथम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एवोहूम के मस्तिष्क में
कांग्रेस की स्थापना का विचार उदय हुआ और इसके लिए हुम ने कई प्रयास किए। जैसे हुम ने सबसे पहले कलकत्ता के स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा जो 1 मार्च 1883 को श्री एलन ऑक्टेविन हुम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने अपने देशवासियों के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए एक समुदाय को संगठित करने की प्रेरणा दी। फिर इसके बाद वायसराय लॉर्ड डफरिन से भी मंत्रणा की उन्होंने। हुम ने अपनी योजना के संबंध में नए वायसराय लॉर्ड डफरिन से वार्ता की। लॉर्ड डफरिन ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रस्तावित संघ के कार्य क्षेत्र को सामाजिक क्षेत्र से विस्तृत कर राजनीति तक करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस संस्था को इंग्लैंड की तरह यहाँ सरकार के विरोध का कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि यहाँ के राजनीति के प्रति वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या क्या त्रुटियाँ, उनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो अगला बिंदु भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयत्न। मार्च 1883 के पत्र का भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। दिसंबर 1884 को देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 व्यक्ति मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्रित हुए तथा उन्होंने राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में कार्य करने का प्रण लिया। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की गई। बाद में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ ने मार्च 1885 में बड़े दिन की छुट्टियों में भारत के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन के लिए घोषणा पत्र निकाला और संघ ने श्री हुम को सम्मेलन को आयोजित करने तथा उसका विवरण तैयार करने के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया। हुम ने कांग्रेस की स्थापना में सरकार का समर्थन भी प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ हुम के साथ साथ उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी भारतीय नेताओं का भी विशेष योगदान रहा है। अब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंग्लैंड से वापस आने पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में 25 से 28 दिसंबर 1885 को होना निश्चित हुआ, किंतु वहाँ फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में हुआ। भारत के भिन्न भिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधि यानी निष्ठावान कार्यकर्ता श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुई। इस अधिवेशन में भारत के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, काशीनाथ तेलंग, वी राघवाचार्य आदि उपस्थित हुए। यह समस्त कार्य सरकारी आशीर्वाद से किया गया था। इसी तथ्य को इंगित करते हुए कोपलैंड ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिष्य थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कि इस कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के कुछ उद्देश्य बताए थे। जैसे पहला, सारे भारतवर्ष के सच्चे देशभक्तों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना। दूसरा, व्यक्तिगत मित्रता तथा मेलजोल के द्वारा देश प्रेमियों के बीच में जाति जाति पांति के भेदभाव
प्रांतीय और संकीर्ण भावनाओं का नाश करना। कांग्रेस राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं का विकास करना चाहती थी जिनकी उत्पत्ति लोकप्रिय लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। पूरे वाद विवाद के बाद अधिक पढ़े लिखे भारतीयों के विचारों की सामाजिक समस्याओं के बारे में एक रिकॉर्ड तैयार करना, उन तरीकों पर विचार करना जिनके अनुसार आने वाले 12 महीनों में राजनीतिज्ञ लोगों के लाभ के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार ये उद्देश्य था। अब हम चर्चा करेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना से भी संबंधित कई विवाद हैं और इनमें दो प्रमुख हैं। पहला यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु की गई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को सिरे से नकारते हैं और वे कहते हैं कि भारतीयों के हितार्थ ही एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए की गई थी। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य की इस रक्षा हेतु है। दूसरी विचारधारा के अनुसार कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी। इस धारणा के अनुसार कांग्रेस की स्थापना व्याप्त असंतोष के लिए एक सुरक्षा नली अभयदेव के रूप में की गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए किया गया था। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों के कारण भारतीय जनता की सोचने आर्थिक स्थिति और शिक्षित नविकों में असंतोष धैर्य की सीमा तोड़ चुका था। ऐसे समय में होम साहब ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके इस असंतोष को दूर करने का प्रयास किया। विलियम वेडरबर्न के अनुसार होम ने एक बार कहा था कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए अभयदेव की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभयदेव दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लाला लाजपत राय ने भी इसी धारणा का समर्थन किया। दूसरा कि भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की धारणा। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दूसरी इस धारणा का प्रतिपादन किया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना भारतवासियों के हितों के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए 17 प्रमुख भारतीयों तथा होम साहब के द्वारा हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के मध्य सभी तरह के जात वर्ण और क्षेत्रीय पूरा ग्रह को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे दोस्ती को मजबूत करना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के संबंध में उपरोक्त दृष्टिकोण आंशिक सत्यता ली हुई है। वस्तुस्थिति यह है कि कांग्रेस की स्थापना के मूल में ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण की भावना के साथ साथ भारतीयों के हितों का विचार और भारतीयता की भावना भी विद्यमान थी। कांग्रेस की स्थापना देश को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करने हेतु वैधानिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए ही की गई थी। धन्यवाद। अब कल दूसरे वीडियो में हम राष्ट्रवाद के विकास में कांग्रेस का क्या योगदान रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।